इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ ही हमें नहीं मालूम, बोलते रहते हैं। हम अंग्रेजी का एक शब्द अक्सर बोलते हैं। कई कई बार मैं भारत के ऐसे लोगों के घरों में जाता हूं जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए और भारतीय रह नहीं पाए, अधकचरे हो गए। हाँ, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए पूरी और भारतीय रह नहीं पाए, ऐसे घरों में जाता हूं तो वो किस तरह से बात करते हैं। ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। रियली शी इज योर मिसेस? तो वो थोड़े बौखला जाते, क्या बोल रहे? मैं पूछता हूँ तुमको मालूम है मिसेस का अर्थ क्या होता है? मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम तो मत बोलो। क्या अर्थ है मिसेस का जानते? मिसेस शब्द का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे इंग्लैंड में यूरोप में क्या होता है ना, बिना शादी के पति पत्नी बन के साथ रहने की हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। शादी नहीं करते लेकिन रहते पति पत्नी की तरह, बच्चे भी करते शादी नहीं करते, ये विचित्र परंपरा है। एक के साथ आज रह रहे हैं, कल दूसरे के साथ रह रहे हैं, परसों तीसरे के साथ रह रहे हैं, किसी दिन चौथे के साथ, किसी दिन पांचवें के साथ। एक एक आदमी 40-40 स्त्रियों के साथ रहता है, एक एक स्त्री 40-40 पुरुष के साथ। अब उसमें होता क्या है कि जिन 40 के साथ रहते हैं जिसमें एक के साथ अगर शादी हो गई तो उसको छोड़कर सब मिसेस हो जाए। समझिएगा इसे, मिसेस का माने है धर्म पत्नी को छोड़कर वो सारी महिलाएं जिनके साथ आप रात बिता चुके हैं, बिस्तर पर रह चुके हैं, वो मिसेस हो जाए। धर्म पत्नी मिसेस है। और मिस्टर इसका उल्टा, पति को छोड़कर वो सारे पुरुष मिस्टर हो जाते हैं। आप मत बोलिए, अच्छा शब्द नहीं, बहुत खराब। हमारे देश में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है तो हम क्यों बोलें? ये जब नहीं हो तो बोलना मजबूरी हो सकता, अपने पास तो है ना श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, तो लक्ष्मी और बुद्धि माने लक्ष्मी और सरस्वती, जहां एक साथ हो वो श्रीमती, कितना सुंदर शब्द है। तो श्रीमती छोड़ के मिसेज में क्यों फंस गए? तो माताओं बहनों से निवेदन है कि मिस्टर ना कहें अपने पति को, भाइयों से निवेदन है पत्नियों को मिसेज ना कहें, यहां से शुरू करें। और एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का मैडम, बहुत खराब। ये जो मैडम शब्द है ये अंग्रेजी का नहीं है, मूलतः फ्रेंच का है। फ्रेंच में एक शब्द होता है मा दाम, एम ए माने मां, डी ए एम ई दाम, दाम माने होता है स्त्री महिला औरत, उसको दाम कहते हैं। और एम ए माने मां, मां माने मेरा, जिसको अंग्रेजी में माई कहते हैं ना, एम वाई माई, उसको फ्रेंच में मां कहते हैं। एम ए मां माने मेरा, तो मां माने मेरा, दाम माने स्त्री, तो मेरी स्त्री, मेरी स्त्री मैडम होती है। और यहां आप हर एक किसी को कहने लगते हैं मैडम 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 मैडम। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, जिसको आप मैडम कह रहे हैं पहले पूछ तो लो उससे। आप पूछो और वो आपको परमिशन दे तब आप उसको मैडम कहो। ऐसे ही किसी को मैडम कह देना बहुत खतरनाक है, मत बोलिए आप। अंग्रेजी शब्दों का अर्थ जानें, समझें, फिर उसके बाद उनका उपयोग करें तो ठीक है, लेकिन जब आप जानते नहीं समझते नहीं और उनका उपयोग करते हैं तो उसमें गुड़गोबर हो जाता है। तो ये फालतू अंग्रेजी शब्द अपने जीवन में ना लाएं। मैं तो आप